पुरुषार्थ क्या है? पुरुष का अर्थ बुद्धि से युक्त व्यक्ति अर्थात बुद्धिमान मनुष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। वेदों में मनुष्य के लिए सामान्यतः चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुषार्थ क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। भौतिक सुखों के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण और ऐश्वर्य तथा आध्यात्मिक सुखों को त्याग और तपस्या माना गया है। भौतिक सुख अधिक अस्थिर होते हैं, जो मिथ्या है, जो सत्य है। हिंदू विद्वानों का मानना है कि मनुष्य के जीवन में केवल भोग और इच्छा ही नहीं, बल्कि संयम, नियम, आदर्श और आध्यात्मिक विचारों का भी महत्व माना गया है। सभी भौतिक सुख क्षणीय और अस्थाई हैं। सांसारिक मोह, माया, विलासिता आदि मनुष्य को सही मार्ग पर नहीं ले जाते, बल्कि उसे भ्रमित करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य का संयमित आचरण और आध्यात्मिक विचार उसे सही मार्ग की ओर ले जाते हैं। पुरुषार्थ के माध्यम से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। पुरुषार्थ ही मनुष्य का आधार है, जिसके द्वारा वह अपना जीवन जीता है और विभिन्न कर्तव्यों का पालन करता है। पुरुषार्थ से ही मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित होता है, बल्कि समाज भी समृद्ध होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के बल पर ही व्यक्ति अपने सभी कार्य करता है और जीवन, जगत और परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही मनुष्य बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त करता है। धर्म मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। धर्म के माध्यम से मनुष्य नैतिक सिद्धांतों, अच्छी प्रवृत्तियों और न्यायपूर्ण कार्यों को सही रूप में समझता है और उनका अनुकरण करने में सक्षम होता है। धर्म पुरुषार्थ का एक महत्व रूप है। धर्म व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। यह व्यक्ति को बुद्धि और तर्क प्रदान करता है। धर्म वह है जिसे धारण किया जा सके, जिसका आचरण उसके अनुसार किया जा सके। पुरुषार्थ के रूप में धर्म के सामाजिक पहलू पर जोर दिया गया है। काम का संबंध मनुष्य की सुखद एवं सहज अनुभूति से है। विवाह एवं संतानों उत्पत्ति इसी के आधार पर संभव है। काम के द्वारा ही यौन अनुभूति के साथ साथ सौंदर्य अनुभूति की तृप्ति होती है। काम की अधिकता निंदनीय है। जीवन के अस्तित्व के लिए काम आवश्यक है। मनुष्य की यौन इच्छा स्वाभाविक है, किंतु इसका अनियंत्रित प्रयोग व्यक्ति को आत्म विनाश की ओर ले जाता है। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति आसान नहीं है। इसके लिए मन की शुद्धि एवं पवित्रता आवश्यक मानी गई है। वह सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है। यह साध्य है तथा धर्म, अर्थ एवं काम इसके साधन हैं। काम एवं अर्थ आत्मा के बाह्य ब्रह्मांडीय वातावरण से संबंधित हैं। धर्म का संबंध जीव और जगत के साथ साथ पारलौकिक तत्वों से भी है। इसलिए धर्म काम और अर्थ दोनों से श्रेष्ठ है। धर्म के अभाव में अर्थ और काम दोनों ही अनियंत्रित और असीमित हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं।
जो विनाश की ओर ले जाते हैं। धर्म उन्हें सीमित करता है और व्यक्ति को जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का सही तरीके से पालन करता है और धर्म के अनुसार आचरण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि व्यक्ति केवल आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सभी बंधनों से मुक्त होता है। तो मित्रों, यह थी कुछ जानकारी पुरुषार्थ से जुड़ी हुई। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इष्टदेव सदा सहाय हों।